जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना, आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करें, लव योर सेल्फ। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तभी हम दूसरों को प्यार दे सकते हैं। जब हम खुद ठीक होंगे, खुद तंदुरुस्त होंगे, खुद कॉन्फिडेंट होंगे, खुद इंटेलिजेंट होंगे, तभी हम दूसरों को वही एनर्जी दे पाएंगे। आज मैं आपके साथ में बहुत अच्छी बात बताने के लिए आई हूँ और काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है और जाने अनजाने हम ये गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं और हमारे को प्रॉब्लम्स का सामना करना हो सकता है। तो हमें ऐसा क्या है वो चीज़, किस वजह से हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो भी इच्छा होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। क्या होता है जब हम मंदिर जाते हैं, पूजा की थाली सजा करके लेकर के जाते हैं, पूजा अर्चना पाठ पूजा सब करते हैं, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां हमारे से हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन, जो भी हमारी पूजा होती है, जो भी हमारा पाठ होता है, वो व्यर्थ हो जाता है। मैंने आज जो ये वीडियो बनाई है, मैं एक बार मंदिर गई थी, उस समय बहुत छोटी हुआ करती थी, अपने नाना जी के साथ में मंदिर गई। तो वहाँ पर जैसे बच्चे होते हैं ना, भागते हैं और कभी इधर कभी उधर, तो इसी तरीके से मैं भी ऐसे ही कर रही थी। तो वहाँ पर जो आसन रखा हुआ था, आसन को ना मैं पाँव से ऐसे उधर इधर उधर इधर उधर कर रही थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, पाँव इसको, आसन को पाँव नहीं लगाते हैं। आसन जो है, जिस आसन के ऊपर हम बैठते हैं, और वही गलती जो है ना हम लोग कर जाते हैं। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो आसन को, जिस पे हम आसन पे बैठ कर के पूजा पाठ करते हैं, उस आसन को पाँव लगा देते हैं। जब हम पाँव लगाते हैं, वो क्या है, आसन क्या है, जिस तरीके से हम बैठ कर के खाना खाते हैं, तो टेबल होती है ना, तो उसी तरीके से वो है, वो हमारी एक एनर्जी की स्रोत है, हमारी एक पावर है, और उसी को अगर हम पाँव लगाते हैं तो हमारे को दोष लगता है। तो जब भी आप मंदिर जाएं, तो आसन को, मंदिर के आसन या घर का आसन है, हमेशा हाथ से उठा करके तय करके रखें, उसको कभी भी पाँव ना लगाएं। क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है और मैं काफ़ी लोगों को बता भी देती हूँ कि प्लीज़ आप इसको ना पाँव ना लगाएं, आसन को, जिसके ऊपर आप पूजा कर रहे हो, जिसके ऊपर आप भक्ति कर रहे हो ना, उसको पाँव नहीं लगाते हैं, उसका निरादर होता है। जब हम निरादर करते हैं तो उसका असर हमारी ज़िंदगी के ऊपर पड़ता है। तो कभी भी आसन को पाँव नहीं लगाने चाहिए, और हमेशा जब भी आप पूजा करें, पूजा पाठ जब तब जब भी आप करें, तो हमेशा आपके पाँव के नीचे आसन होना चाहिए। क्योंकि जो भी हम पूजा पाठ करते हैं तो उसका जो वेग होता है, उसकी जो एनर्जी होती है, वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो जैसे आपके अंदर आती है, वो पावर आपके अंदर आती है, वो ग्राउंडिंग हो जाती है। इसलिए कहते हैं आसन के ऊपर बैठ करके पूजा जप तप करना चाहिए, ताकि वो जो पूजा है वो आप ही को लगे, ना कि वो सीधी धरती के अंदर चली जाए। दूसरा, जब भी आप पूजा करें, पूजा करने के बाद में हमेशा जल जो है ना, आप आसन के नीचे ज़रूर डाल करके, और फिर उस जल को जो है अपने माथे के ऊपर ज़रूर लगाएं कि हे ईश्वर, और ये प्रार्थना करें कि जो भी मैंने पूजा, जाने अनजाने जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं पूजा के अंदर, वो भगवान क्षमा करना, इस पूजा का फल मुझे मिले, मुझे प्राप्त हो, ऐसा आप करें। और साथ ही इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि आसन को, जिस आसन के ऊपर आप पूजा पाठ करते हैं, उसको कभी भी पाँव ना लगाएं। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मैं कहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, और साथ ही लाइक करिए, कमेंट्स ज़रूर लिखिए, और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहिए और दूसरों को प्यार बाँटते रहिए। जय श्री राम।